कोरोना को काबू करने के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन इजाद कर दी है। आने वाले 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होगा और कोरोना इंसानियत के आगे सिर झुकाए मिलेगा। लेकिन जरा याद कीजिए बीते साल के उन महीनों को जब कोरोना ने अर्थव्यवस्था को बंधक बना दिया। 30 त्योहारों पर खौफ का साया आज तक मंडरा रहा है। हालांकि जब महामारी विकराल थी सामाजिक दूरी और मास्क के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस वक्त सरकार के बेहतर प्रबंधन से ही जान और जहान को बचाया गया। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी अपने कुशल प्रबंधन से कोरोना पर जीत हासिल करने की ओर कदम बढ़ाए। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया को घुटने के बल बैठाया हुआ है। इंसानी सेहत को चोट पहुंचाने वाली कोरोना महामारी ने सामाजिक रीति रिवाजों और अर्थव्यवस्था को भी बंधक बनाया और भारी नुकसान पहुंचाया। बावजूद इसके कुछ सरकारों ने जानलेवा महामारी के दौर में नुकसान से बचाने के लिए कई बेहतर इंतजाम किए। उत्तराखंड सरकार भी उन्हीं में से एक है। त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से एक दिन पहले ही लॉकडाउन किया। वहीं लॉकडाउन के दौरान घर लौटे बंधुओं की रोजी रोटी का पुख्ता इंतजाम भी किया। अस्पतालों में कोरोना से लड़ने के लिए दवा या बिस्तर का मसला रहा हो या क्वारंटीन सेंटर, हर जगह बेहतर प्रबंधन की पूरी कोशिश की गई। कोविड अस्पतालों में आईसीयू बेड वेंटिलेटर की तादाद बढ़ाई गई तो वहीं सैकड़ों चिकित्सकों की नियुक्ति भी की गई। इतना ही नहीं, घर लौटे तपके को मुफ्त राशन बंटवाया गया और बेरोजगार हो चुके नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना का आगाज किया। वहीं मनरेगा योजना में कई कामों को जोड़ा गया और दिनों की संख्या बढ़ाई गई ताकि घर लौटे लोगों को कुछ रोजी हासिल हो सके। इतना ही नहीं, सरकार ने कोरोना जांच का दायरा भी बढ़ाया और प्रभावित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की नीति भी बनाई। वहीं सोशल मीडिया पर जनसंवाद के जरिए जनता को कोविड के प्रति जागरूक भी किया। कंटेनमेंट जोन की आम जनता को कोई दिक्कत न हो इसके लिए एसटीआरएफ, होमगार्ड्स और पुलिस जवानों को मुस्तैद रखा। साथ ही निजी अस्पतालों को भी कोरोना मरीजों को सस्ते दर पर इलाज करने की इजाजत दी। बहरहाल अब कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीन आ चुकी है। उत्तराखंड में भी ड्राई रन के बाद 16 तारीख से टीकाकरण शुरू हो जाएगा और पहले चरण में 24 लाख कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन की सौगात मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए सूबे की सरकार ने जनता को राहत देने की हर वो मुमकिन कोशिश की जो जरूरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। कोरोना पर प्रहार के जिस क्षण का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आ गई है। वैज्ञानिकों के भागीरथ प्रयास से इजाद हुई कोरोना वैक्सीन पहले चरण के टीकाकरण के लिए उत्तराखंड भी पहुंच गई है। पहली खेप में राज्य को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1,13,000 डोज मिली है। देहरादून पहुंची वैक्सीन को सुरक्षित रखा गया है। सूबे के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की माने तो 16 जनवरी को सभी जिलों में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच जाएगी और स्वास्थ्य कर्मियों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन मिली है, करीब 1,13,000 डोज हमें प्राप्त हुई है टोटल डोजेस उत्तराखंड को। और जो वैक्सीनेशन जो वैक्सीन हमें मिली है वैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनकी वैक्सीन हमारे स्टेट को लगी है। और ये जो वैक्सीन आज सुबह बॉम्बे एयरपोर्ट से करीब 12:15 बजे स्पाइस जेट की जो फ्लाइट थी ST-779 इसके द्वारा हमारे स्टेट पे पहुंची और ये हमारे पास करीब 2:45 के आसपास हमारे स्टेट में आई है। और उसके आने के उपरांत ही इमिडिएटली हमारे इन वैक्सीन को जो हमारा स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर है हमने उन वैक्सीन को वहां पर शिफ्ट कर दिया है। और इस स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर से फर्दर हमारे जो रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो हमारे बगल के जनपद है उनमें आज शाम को ही हम लोग वैक्सीन भेज देंगे। बाकी जो हमारे दूर जनपद है उनको कल सुबह हमारी वैक्सीन भेजी जाएगी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन बैंक है और हमारे जो जिले की टीम है जो इमिग्रेशन की टीम है उत्तराखंड वैक्सीन पहुंच चुकी है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। ऐसे में किस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल जी जुड़ गए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी जुड़ गए हैं। विनय जी, नीरज जी, आप दोनों का ही नेटवर्क 10 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनय जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी जिस तरह से उत्तराखंड अब वैक्सीन पहुंच चुकी है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है वैक्सीन और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार की जो तैयारियां है वो कहां तक पहुंच चुकी है? देखिए, जिस प्रकार से
प्रारंभ से ही हम लोग तैयारियां कर रहे थे और हर स्तर पर पुख्ता व्यवस्थाएं की, ड्राई रन हुए और बहुत पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा वार्ता करके उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा था। हालांकि उस समय हमारे विपक्षी दल हमारा मजाक बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन वो सारी तैयारियां अब काम आने जा रही हैं और अब अगले कुछ दिनों में ये जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू होने वाला है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और हमारे प्रदेश में भी जैसा कि आपने बताया 1,13,000 वैक्सीन हमें प्राप्त हो चुकी है और उनको अलग अलग जिलों को भी अलॉट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सफलता के साथ पहले चरण में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं फ्रंट लाइन, उनको वैक्सीन दी जाएगी। जी बिल्कुल नीरज जी, आपसे जानेंगे जिस तरह से ड्राई रन किया गया और ड्राई रन में माना जा रहा है कि जो भी खामियां होती हैं, जो एक तरीके के मॉक ड्रिल माना जाता है, जो भी खामियां होती है उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ड्राई रन कितना सफल देखा गया? जी नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से उत्तराखंड में ड्राई रन का भी आयोजन किया गया था 16 जनवरी से वैक्सीनेशन से पहले और एक तरीके के मॉक ड्रिल में ये जांचने की कोशिश की गई थी कि जो भी खामियां हो उन्हें वैक्सीनेशन से पहले दूर किया जा सके, ऐसे में उत्तराखंड में ड्राई रन को कितना सफल माना जा रहा है? आती है जैसा कि आपने कहा कि तैयारियों को परखने के लिए, कोई भी नई चीज आ रही है तो उसको परखने के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है। तो मॉक ड्रिल तो मुझे लगता है कि ठीक रहा, लेकिन मॉक ड्रिल और जो एक्चुअल जो वैक्सीन लगना है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अभी उन लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है जो हमारे कोविड के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है या दूसरे कर्मचारी हैं, जिन्होंने कहा जाए कि पूरे कोविड की कमांड जो है संभाल रखी थी और अब पहले चरण में कोविड उनको लगना है। और मैं ये चाहता हूं कि ईश्वर से हम प्रार्थना भी करते हैं कि ये हमारा जो ड्राइव है पूरा का पूरा, जो 1,13,000 जो डोज आई है और जो हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने बाद में आम जनता को जो वैक्सीन लगानी है उन लोगों पे ये पूरा का पूरा जो है अच्छे तरीके से, मतलब इसका जो वैक्सीन लगने का जो वो है वो सफलतापूर्वक हो और अच्छे तरीके से ये काम हमारा पूरा हो, ताकि जो आमजन को बाद में वैक्सीन लगनी है वो, क्योंकि सारी की सारों दारोमदार जो है इन्हीं लोगों के ऊपर है, आम लोगों का भी, तो इसलिए ये काम जो है थोड़ा सा और बिल्कुल चुस्ती के साथ, पुख्ता इंतजाम के साथ और पुख्ता तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कोविड में एक सच्ची कड़वाई सच्ची बात यह है कि कोविड में शुरुआत के दौर में हमारी व्यवस्थाएं थोड़ा ठीक नहीं रही, बाद में भी जो है हमारा जो कोविड की जो हमारी जो सैंपलिंग की जो दर थी या हमारा जो डेथ रेट था वो भी एक बार काफी ऊपर चला गया, सैंपलिंग का जो रेट था वो हमारा नेशनल रेट से बहुत कम था, तो बहुत सारी चीजें अस्पतालों में तमाम तरह की खामियां थी। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, सब चीजों को धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करा प्रयास किया, तो मैं ये चाहता हूं कि वो पुराने जो पुराना कड़वा अनुभव है हमारा जो कोविड को लेकर जो व्यवस्थाओं का था वो इन वैक्सीन लगने में, क्योंकि वैक्सीन जो है, क्योंकि वैक्सीन हमारे सामने एक संजीवनी के रूप में आई है, हम नारा भी इसी चीज का देते थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो अब एक ये संजीवनी के रूप में हमें एक वैक्सीन मिली है, तो इस वैक्सीन के लिए जो है पुख्ता इंतजाम हो, बढ़िया सरकार जो है एक्सरसाइज करके इसको, हमारा ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है, 13 जनपद हैं, 13 के 13 जनपदों में अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम करके अच्छी व्यवस्था करके सरकार जो है वैक्सीन को आगे देना शुरू करेगी। बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, आगे हरिद्वार कुंभ का भी आयोजन होना है, ऐसे में एक तरफ कुंभ की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से महाकुंभ जो हमारे प्रदेश में हरिद्वार में होने जा रहा है जी, वो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और साथ ही साथ ये बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न हो ये पूरी हमारे लिए चुनौती भी है और हम उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, सब तरफ से
व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और मुझे लगता है कि इस बार जो कुंभ होने वाला है वो निश्चित रूप से दिव्य महाकुंभ होगा और सभी तरह की हमने जो व्यवस्थाएं की हैं वो अपने आप में अल्टीमेट हैं और उसका लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को और भक्तजनों को मिल पाएगा। बिल्कुल, अभी तक जैसे हमने देखा है कि 113,000 डोज उत्तराखंड में पहुंची है, कुंभ को देखते हुए क्या अतिरिक्त मांग भी की जाएगी और उसकी आपूर्ति किस तरह से की जाएगी? नहीं, बिल्कुल, हमारी सरकार के द्वारा पहले से ही ये कहा गया है कि कुंभ क्योंकि यहाँ होने जा रहा है और उसके लिए हमें अतिरिक्त वैक्सीन की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष स्नेह उत्तराखंड के प्रति है, वो हमें जितनी भी आवश्यकता होगी वो अतिरिक्त हमें वैक्सीन मिलेंगी। बिल्कुल, नीरज जी आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन का सफल पूर्वक एक संचालन होना कितना जरूरी है खासतौर पर बीजेपी के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत अहम सवाल है क्योंकि कोविड ने जो है पूरी अर्थव्यवस्था क्या पूरी हमारी कमर तोड़ के रख दी, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है वो कहते हैं कि देवभूमि प्रदेश है, यहाँ धार्मिक पर्यटन भी है और जो दूसरा सामान्य पर्यटन है वो भी पर्यटन है और पर्यटन के ऊपर ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी निर्भर करती है। तो 2020 तो हमारे लिए बहुत पूरी दुनिया के लिए खराब गया, तो हमारा राज्य भी उससे अछूता नहीं रहा, हमारा स्टेट की भी हालात बहुत खराब रहे जी। अब 2021 आया है और 2021 के बाद 2022 में जैसे आपने कहा कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सरकार के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो महाकुंभ का सफल आयोजन और कोविड के इस दौर में और बीच में वैक्सीनेशन भी का प्रोसेस भी आ गया है, तो एक तो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसको सफलतापूर्वक करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, इस काम को बहुत अच्छे ढंग से करना होगा, अच्छे तरीके से इस काम को सफलतापूर्वक निभाना होगा। और दूसरा यह है कि महाकुंभ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल जिसे कहते हैं कि धार्मिक आयोजन है जिसमें देश दुनिया से लोग आते हैं, हालांकि अभी सरकार इस चीज को डिसाइड करेगी अपनी एसओपी में कि उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, उसका दायरा क्या होगा, लेकिन फिर भी ये दोनों के दोनों जो है बड़ी चुनौतियां हैं उत्तराखंड सरकार के लिए, क्योंकि 22 में आपने जाना है तो अभी हालिया जो है ये दोनों चीजें आपके सामने खड़ी हुई, इन दोनों चीजों को जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत पुख्ता इंतजाम के साथ बहुत तैयारी के साथ आपने फेस करना है आपने, क्योंकि चुनाव में आपके ऊपर जो है बहुत तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे, तमाम तरह की बातें आपके सामने आएंगी, अगर कहीं कोई कमी रह जाती है कोई खामियां रह जाती है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है कोविड को लेकर पहले ही तमाम तरह के सवाल आप पे उठाता रहा है, हाईकोर्ट में भी तमाम तरह की आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर तमाम तरह की याचिकाएं दाखिल होती रही हैं, हाईकोर्ट ने भी कई बार तलब किया आपको कि आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त करो, आप व्यवस्थाओं को ठीक करो, सब चीजें ठीक नहीं है स्टेट के अंदर। तो ये अब सरकार को देखना है कि सरकार का कार्यकाल का 25% मैं कहता हूं कि समय रह गया, 25% समय में उसको सारी चीजों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करना है। बिल्कुल विनय जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, कोरोना की जंग हम लड़ रहे हैं और इसके बीच में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू करना है और सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी हो जाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, कोई भी कोर कसर छूट ना जाए क्योंकि आसानी से मुद्दा बना दिया जाता है। अभी तक हमने जैसे देखा कि वैक्सीन को लेकर भी विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए, वैक्सीन को लेकर भी बयानबाजी हुई, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव बिल्कुल एक अलग विषय है, हमारे लिए महाकुंभ का उत्तराखंड में होना वैसे ही गौरव का विषय है और हम इसे बिल्कुल अद्यतन व्यवस्थाओं के साथ सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये दिव्य महाकुंभ हो और निश्चित रूप से अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय सरकार को मिलता है और अगर कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता ही है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी इस बात की है कि किसी प्रकार की कोई कमी इसमें न रहने पाए और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं और जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं भक्तजन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, सभी प्रकार की उनको सहूलतें मिले और वो सारी व्यवस्थाएं वहां जुटाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि एक यादगार कुंभ
होने वाला है जो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय के लिए भी एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना काल में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए गए, तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ, वैक्सीन को लेकर भी वैसा ही ठीक देखने को मिला है कि कई जगह से ऐसी खबरें आती है, बयानबाजी होती है वैक्सीन को लेकर कहा जाता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखेंगे अपने? देखिए, जो कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं उन्हें तो हर विषय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट ढूंढनी है, वो उनका अपना काम है। लेकिन हमारा जो काम है, हमने जो प्रण किया है जनता को सुविधाएं पहुंचाने के लिए, जनता के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन जो केवल और केवल बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं, आलोचना के लिए आलोचना करना चाहते हैं, विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती। लेकिन अगर कोई फिर भी उन विषय पर रहना चाहता है तो वो उनकी इच्छा है। लेकिन जनता हमेशा अच्छा काम करने वालों के साथ है, और जो अच्छा प्रस्तुतिकरण करता है, जो अच्छी व्यवस्थाएं करता है, उसको हमेशा श्रेय भी मिलता है। और इसी तरह इसलिए आपने देखा कि कितना भी ये प्रलाप करते रहे, विलाप करते रहे, हर समय कोई भी देश के लिए अच्छा काम करने का प्रयास, चाहे वो केंद्र की सरकार ने किया, चाहे वो प्रदेश की सरकार ने किया, हर एक सवाल में बात में सवाल खड़े करना वो करते रहे। लेकिन हमारी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपने लक्ष्य पर डटी रही और वो काम करती रही, और उसी का परिणाम है कि हर स्थान पर हमें जहां श्रेय मिल रहा है वहां सफलता भी मिल रही है। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में एक समय अगर हम निर्धारित करें कि कितना समय लग जाएगा जब फ्रंटलाइन वर्कर्स के जो वैक्सीन लगाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं काम सब उसी के हिसाब से होना है। और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को, जो हमारे लगभग 50,000 फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको ये वैक्सीन दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो जैसे हो जाएगा, क्योंकि उसका भी चरण, दो चरणों में उनको वैक्सीन लगनी है। पहले चरण, जो पहली वैक्सीन उनको लग जाएगी, उसके 28 दिन बाद उन्हें दूसरी वैक्सीन लगनी है उन्हीं लोगों को। तो जो एक पूरा चरण है उसमें जो भी प्रोटोकॉल WHO के द्वारा या ICMR के द्वारा बनाए गए हैं उनके पालन करते हुए ये वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही है, और एक निश्चित समय तक अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही अगर हम देखें तो कितना समय लग सकता है? देखें, ये तो एक सरकार ने, मुझे लगता है कि एक टाइम फ्रेम बनाया होगा कि हमारे यहाँ कितने लोगों के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो या दूसरे कर्मचारी हो, जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो कोविड की कमांड जिन लोगों ने संभाल रखी थी, उनकी संख्या कितनी है और किस तरह से उनको देना है, ये सारी चीजें एक टाइम फ्रेम गवर्नमेंट ने बना रखा होगा। और डोज भी हमारे पास जो आई है वो 113,000 डोजेज आई हैं उसकी वैक्सीन की। तो ये तो 16 तारीख से सरकार ने कहा है, 16 जनवरी से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। एक टाइम फ्रेम सरकार ने बनाया होगा कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार टाइम फ्रेम तय करे इसका, तो बिल्कुल यही मेरा सवाल था कि वैक्सीन तो उपलब्ध करा दी गई है, एक निश्चित संख्या के लिए एक जो समय का निर्धारण होना चाहिए वो कितना अहम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय की जो समय इसमें बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको अपने टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करेंगे तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, और एक दूसरा मैसेज भी अच्छा जाएगा कि भाई उत्तराखंड ने इस काम को बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। तीसरी बात यह है कि जब वैक्सीन, जो आम लोगों के लिए, आम लोगों को जब वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस शुरू किया जाएगा, प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो उसमें इस चीज का बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना ऊंचा होगा कि उसका निश्चित लाभ हम लोगों को मिलेगा।
जी बिल्कुल, वही कुंभ में जिस तरह से सुरक्षा बल भी तैनात रहेगा और जो टीम वहां पर कार्य करेगी उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उनसे शुरुआत करने की और उन्हें का निश्चित समय में जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिखा जी, महाकुंभ तो हमारे लिए बहुत अहम धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और बहुत अहम है ये। और दूसरी बात यह है कि देश विदेश से जगह जगह से इस पर्व में अगर सरकार इसका दायरा बढ़ाएगी तो हमेशा जो है महाकुंभ में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उसके लिए, इस पर्व में शामिल होने के लिए। तो उनके लिए जो है सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है कैसे दी जाएगी और किस तरह से दी जाएगी और उसमें कितने लोग आएंगे और कितने लोगों का हमें स्टाफ चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स कितने चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमें एक जो है बहुत पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे, बहुत पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, विनय जी आपसे जानेंगे, जिस तरह से वैक्सीन तो उपलब्ध हो गई है लेकिन एक समय निश्चित होना सबसे ज्यादा आवश्यक है डोज पूरी तरह से मिलने के लिए। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा जिसमें एक निश्चित संख्या के लिए एक निश्चित समय भी निर्धारित किया जाए जिन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा? नहीं बिल्कुल, अभी जैसे अभी नीरज भाई कह रहे थे, हमारे बहुत ही विद्वान पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बताया कि जैसे हमारे प्रदेश में लगभग 87,000 ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सब मिला के, जो अलग अलग क्षेत्रों के मिला के जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं या जो जिनको इस वैक्सीन की आवश्यकता हमारी सरकार ने चिन्हित की है, उसमें से 50,000 के लिए हमें उपलब्ध हो गई है। लगभग 1,13,000 जो वैक्सीन हमारी मंगाई गई है उसमें से 10% वैक्सीन रिजर्व रखी जाएंगी इमरजेंसी के लिए अन्य कारणों से, और शेष जो 50,000 यानी 50,000 वैक्सीन 50,000 लोगों को दो बार वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी 1,00,000 वैक्सीन जो है वो 50,000 लोगों को में दो बार में लगाई जाएगी। तो शेष लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है, सरकार द्वारा मांग की गई है, जैसे और हमें वैक्सीन मिल जाएगी तो उनको मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरे चरण में जो हमारे जो बड़ी आयु के लोग हैं या जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, और जन सामान्य लोगों को उसके बाद जो चरण चलेगा उसमें वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि सारा रोड मैप, विनय जी, अन्य जगहों की अगर अपेक्षा देखा जाए तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, अगर हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखें तो उसके मद्देनजर वैक्सीनेशन एक कितनी बड़ी चुनौती है उत्तराखंड सरकार के लिए? नहीं देखिए, सरकार ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई आएगी। हमारी जो सारी तैयारियां हैं वो सारी चुनौतियों को ध्यान में रख के की गई हैं और सारी चुनौतियों की काट ढूंढते हुए हमने वो व्यवस्थाएं की हैं, और वो सब ड्राई रन जो हमने किए हैं उनमें उन सबको हमने चिन्हित कर लिया है कि किस प्रकार की चुनौतियां हैं, किस प्रकार से उनका समाधान होना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, लेकिन जो हमारा वैक्सीनेशन जो होना है वो चूंकि जब हमें वैक्सीन उपलब्ध होगी उसी के आधार पे होगा, और वो पूरे देश में क्योंकि एक साथ ये काम शुरू हो रहा है तो प्रारंभ में हम जानते हैं कि देश भर में 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, तो जैसे ही अगले चरण का योजना बनेगी तो उसके आधार पर हमारे प्रदेश में भी वो काम आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी आश्वासन दिया है यहाँ पर कि हर चुनौती से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और देश भी यही चाहता है कि सफल पूर्वक ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी संपन्न हो और कोरोना को हम पूरी तरह से मात दे पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज कोहली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना की वैक्सीन उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है, भौगोलिक स्थिति अलग होने के नाते यहां पर उत्तराखंड सरकार को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी देने होंगे और यहां पर उचित रखरखाव की भी जरूरत है जो पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार नजर बनाए हुए है लगातार, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से सफल पूर्वक शुरू हो जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।